हे देयर, मैं पवन। तो चालू करते हैं अपने फर्स्ट डेवलपिंग न्यूज से। तो सबसे पहली न्यूज है फॉर iOS डेवलपर। अराउंड 96% ऑफ iOS 14.5 यूजर इन द US आर ब्लॉकिंग एड ट्रैकिंग। गाइज, हम सबको पता है कि किस तरह iOS ने नया फीचर लाया था जहां पे हम एड्स को ब्लॉक कर सकते हैं, और इसका अपोज फेसबुक ने भी किया था, क्योंकि यार लॉस तो वही कर रहे हैं। जिस हिसाब से डिजिटल मार्केटर्स पैसे डाल रहे हैं एड्स पे, उनको इतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। और यूएस में बहुत सारे यूजर्स है यार एप्पल के, तो ये फीचर एक्चुअली मेरा तो मानना है बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छी बात है। नो डाउट डिजिटल मार्केटर्स के लिए एक और कॉम्पिटिशन आएगा, उनको ज़रा टफ पड़ेगा, उनके टारगेटेड ऑडियंस को टारगेट करने के लिए बहुत टफ पड़ेगा, लेकिन ये कुछ ना कुछ करके इसका भी सॉल्यूशन आ ही जाएगा। टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि तुरंत ही ये सब के सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। और रही बात प्राइवेसी की, तो एप्पल हमेशा से टॉप पे रहा है उनके यूजर्स को सिक्योरिटी और प्राइवेसी प्रोवाइड करने के लिए, तो मेरा मानना सही बात है। और ये 96% है, और कुछ टाइम पे 100 भी हो जाएगा तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मेरे ख्याल से अभी तो ये डेटा सिर्फ US के लिए है, आने वाले टाइम के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग यही अडॉप्ट करना चालू कर देंगे। खैर, अच्छी बात तो और मज़े की बात तो यह है, जो ये फीचर प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर जिस दिन एंड्रॉयड वाले भी ये फीचर प्रोवाइड करना चालू कर दिए तब क्या होगा। सोचने वाली बात है कि डिजिटल मार्केटर्स के लिए क्या होगा, उनके लिए क्या सिर्फ ईमेल मार्केटिंग ही रह जाए। तो उसी के साथ आते हैं दूसरी न्यूज़ पे। दूसरी न्यूज़ है हवाई ऐप स्टोर के ऊपर। हम सबको पता है बहुत सारे ऐप स्टोर्स हो गए, गूगल ऐप स्टोर है, एप्पल प्ले स्टोर है, देन MI के भी प्ले स्टोर है, और उसके साथ साथ हवाई भी है। ऐसे ना जाने कितने ऐप स्टोर्स हैं और कितने एप्लीकेशंस हर जगह कितने हमको मिल जाते हैं। तो अब रिस्पांस अगर देखने जाए हवाई ऐप स्टोर्स के, तो काफ़ी अच्छे मिले हैं, काफ़ी पॉजिटिव मिले हैं। बल्कि लोगों ने सोचा था कि इनका बिजनेस इतना इम्प्रेसिव नहीं रहेगा, लेकिन भाई उन्होंने कर लिया। अराउंड एक, अगर आप कंपेयर करोगे ना, एक साल पहले अगर 100 एप्लीकेशन थे ना, तो आज वहाँ पे 200 है। ये तो एग्जांपल दे रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छा है, उनको ग्रोथ मिला है, अराउंड 33% ग्रोथ मिला है इन द मंथली एक्टिव यूजर्स पे, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा डेटा है, और मुझे लग रहा है कुछ टाइम के लिए हर एक कंपनी अपना खुद का भी कर सकती है। MI एज यूजल MI का स्टोर है, फिर ऐप स्टोर है, और मेरा मानना है जितने ऑप्शंस मिलेंगे यूज़र्स को इतना ही मज़ा आएगा। तो ठीक है, अच्छा है, अच्छी चीज़ है यार, जितना ऑप्शंस मिलेगा हमारे लिए इतना अच्छा है। कॉम्पिटिशन्स इनके लिए हम टाइट रखेंगे तो हमको ही रिजल्ट अच्छा मिलेगा। कॉम्पिटिशन्स देखो, हमेशा से कॉम्पिटिशन्स होता रहा है ना, तो अच्छा ही रिजल्ट आया। ये चिंदी चिंदी चीज़ है ना, निकल गई है, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये चीज़। इसके साथ हम आते हैं हमारे थर्ड न्यूज़ पे। ये न्यूज़ है एप्पल यूज़र के लिए ही वापस। iPad 12.9 की मार्केट में एप्पल iPad Pro 12.9 दो हफ्ते में अवेलेबल होगा, लेकिन लोगों ने प्री बुकिंग करा ली है। आप ऑनलाइन जाके देखोगे, लोगों ने रिव्यूज़ भी दिया है, कुछ कुछ लोगों ने बोला है कि कुछ ज़रूरत नहीं है इतने हैवी iPad की, लेकिन कुछ कुछ लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है। लेकिन आप, सबसे बड़ी पॉइंट है, लोगों ने क्यों अप्रिशिएट किया है, क्योंकि वो लोग देखना चाहते हैं कि एप्पल आईपैड वो लैपटॉप को रिप्लेस करे। आप सोचिए, आईपैड प्रो 12.9 में 16 GB रैम प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके पास वहाँ पे दो ऑप्शन है, 8 GB रैम है, 16 GB। तो एप्पल का फुल टारगेट है कि आईपैड को लैपटॉप के साथ रिप्लेस कर दिया जाए, और करे भी क्यों ना, बहुत अच्छी चीज़ बना रहा है। और इवन कुछ टाइम पहले ये भी अपडेट आया था कि अराउंड 80% ऑफ एप्लीकेशन सपोर्ट करती थी, जो लैपटॉप में सपोर्ट करती है एप्पल के, वो 80% ही सपोर्ट करती थी आईपैड में। बट अब वो नए वर्जन पे, नए iOS में ये फुल ऑन सपोर्ट रहेगा। सो सबसे पहला क्वेश्चंस डेवलपर्स के लिए है, आप यूज़ करोगे, क्या लगता है, कंफर्टेबल होगा ये, या फिर आप लैपटॉप में ही कंफर्टेबल हो? मैं अपनी बात करूँ तो मैं ज़्यादातर अभी भी कंफर्टेबल हूँ कि लैपटॉप में ही काम करूँ, क्योंकि पूरा एक नए मशीन पे स्विच होना, और क्या क्या सपोर्ट करेगा क्या क्या नहीं, वो बहुत क्वेश्चंस रहेगा। तो अगर मैं स्विच कर भी रहा हूँ तो आई थिंक 9 to 12 मंथ तो उसके बाद ही,
ऐसे तो नहीं, तब तक के लिए तो मैं, मेरा लैपटॉप जिंदाबाद है। बात करते हैं हमारी फोर्थ न्यूज़ की। फोर्थ न्यूज़ है IBM के साइड से। IBM बहुत हैवी वर्क कर रहा है हाइब्रिड क्लाउड और AI के साइड से। देखो मार्केट में हम सबको पता है कि टॉप टॉप कंपनीज कौन सी है, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, गूगल हो गई, लेकिन IBM है ना वो ग्रोथ कर ही जा रही है। पता नहीं वो लोग, मुझे लगता है कि वो लोग देख नहीं रहे कि क्या गूगल करिए क्या माइक्रोसॉफ्ट करिए, वो अपनी ही ग्रोथ में लगी है। और मेरा एक दोस्त भी है, वो IBM में काम भी करता है, उसने बहुत अच्छे से मेरे को एक्सप्लेन भी किया कि क्या IBM कर रही है। तो आगे आने वाली कुछ टाइम पे 10 से 15 साल में लोगों को IBM के लिए काम करने में बहुत मज़ा आने वाला है। ये भी हो सकता है कि IBM बहुत कुछ कर जाए, ऑलरेडी वो बहुत कुछ कर चुकी है लेकिन और भी बहुत कुछ कर सकती है। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि IBM प्रोग्रेस करे, एज यूजुअल हमेशा करती रही है और करना चाहिए ही। तो बात करते हैं हम अपनी लास्ट न्यूज़ की। ये न्यूज़ है सिक्योर कोड के लिए। एक मिशन टेक सिक्योर कोड प्रैक्टिस टू ऑल दोज न्यू प्रोग्रामर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे क्या बेसिकली प्रोवाइड करा जा रहा है कि आपके कोड को किस तरह सिक्योरिटी प्रोवाइड करा जाए, किस तरह आप अपने कोड को और भी सिक्योर बना सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा है। और स्पेशली जो न्यू डेवलपर्स आ रहे हैं ना, उनको पता नहीं होता कि सिक्योरिटी कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे चीज़ प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि आप अपने कोड को और भी सिक्योर किस तरह कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। मैं तो बोलूँगा जो जितने भी नए डेवलपर्स हैं वो यहाँ पर जाके ट्राई करें। मैं इसका लिंक वगैरह होगा वो मैं शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज़ ट्राई करो, बहुत अच्छी चीज़ है। इसका मेन रीज़न क्या है ना कि फॉर लास्ट 1 ईयर से बहुत डेवलपर्स लोग ने काम करना चालू कर दिया है, तो उसी के साथ साथ है ना हैकर्स भी आ रहे हैं जो कुछ ना कुछ फलाना ढिपना ट्राई करते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो अच्छी चीज़ है ये, कुछ अच्छा पॉजिटिव साइड लेके आ रहा है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करके ही मज़ा आएगा। प्रैक्टिस करो कोडिंग करने का, एक के बाद एक आप अच्छे कोडर भी बन सकते हो। और सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉल स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में तो चल जाता है मैं सही कहने जाऊँ तो, क्योंकि कोई देखता नहीं है। लेकिन जब एक एप्लीकेशन को एक अलग लेवल पे ले जाते हो ना आप, जब आपने कुछ बनाया उसकी पॉपुलरिटी बहुत ही हाई होगी, तब सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट करता है। हमने बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन और वेबसाइट्स देखे जो बाद में कुछ थोड़े से फेमस क्या होते, थोड़े हैक हो जाते, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक स्ट्रक्चर फॉलो करना सबसे बड़ी चीज़ है कोडिंग में, तो अच्छे से एक बार इसको फॉलो करो। बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे बहुत ही अच्छी लगी है ये न्यूज़, तो सोचा था आपके साथ शेयर कर दूँ। तो उसी के साथ आज का हम न्यूज़ सेक्शन क्लोज करते हैं। होप आपको ये अच्छा लगा हो और सपोर्ट करना। तो मैं इसी तरह की न्यूज़, डेवलपिंग न्यूज़ आपको डेली प्रोवाइड करने का ट्राई करूँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और सेफ रहो और जलसा करो।